और आवागमन दोनों तरफ से जमुई और सोनोमार्ग बिल्कुल आवागमन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। का स्थिति नहीं था जी सर, पेड़ का स्थिति जर्जर हो चुका था। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज झाझा के प्रखंड विकास कार्यालय के आगे में एक ट्रक की लॉरी जिस पर बड़ा बड़े बॉक्स लगे हुए उससे टकरा कर एक पीपड़ का पेड़ गिर गया। आवागमन बिल्कुल ठप है, बाधित है, जैसा कि आप देख रहे हैं टूटा हुआ पेड़। ये बॉक्स से टकराया ऊपर से और ये बीचे बीच गिरा है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर और खलासी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन आवागमन का साधन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट झाझा के प्रखंड विकास कार्यालय अंचल कार्यालय या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के आगे में एक पेड़ टूट करके गिरा जो पीपल का है, और ये एक टुकड़ा गिर करके एक लॉरी जा रही थी जिसके बीचों बीच जा करके ये फंसा है। संजोग है कि ड्राइवर सकुशल बचा है, और स्थिति आप देख रहे हैं किस तरह के पेड़ टूट के गिरा हुआ है, और आवागमन दोनों तरफ से जमुई और सोनोमार्ग बिल्कुल आवागमन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब गाड़ी पेड़ में सटी इसलिए टूट के गिरा। पेड़ पहना ही डैमेज था जी, पेड़ नाजुक हो चुका था ना, इसी बल गिरने का स्थिति नहीं था जी सर। पेड़ का स्थिति जर्जर हो चुका था, मतलब ये घटना किसी वक्त हो ही जाता है, आज हो ही। इसके ऊपर में जो लॉरी के ऊपर में जो बॉक्स लगा हुआ, बॉक्स के कारण ही टकरा के साथ गिरा बीच। हाँ, उसी कारण जो हुआ ना, हल्का हल्का उसके कारण टकराया है पीछे। ड्राइवर और खलासी कहाँ, कुछ जानकारी देंगे कहाँ है? वो ही टाल रहा है, रोड पर ही टाल रहा है, साइड में होगा। आप देख रहे हैं पेड़ काटने के लिए कटर मशीन लाई गई है। नाम है आपका? मनीष पाटिल। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ जाना है? देवघर जाना है। कितने देरों से आप यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं? लगभग आधा घंटे। आधा घंटे से हो रहा है। आधे घंटे के बाद में शायद ये कटर मशीन लगी हुई है पेड़ काटने की, वो काट के निकाल दिया जाएगा। आधा घंटे के बाद आप लोग रास्ता आप लोग के लिए फ्री हो जाएगा। लोरी से टकरा करके बिजली के तार भी गिर गए। गाड़ियों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ, जाम के कारण सभी परेशान हो रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की।